करनाल में नगर पालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है और नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा 3 दिन के भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। नगर पालिका कर्मचारी 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक 24-24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार के साथ बीते वर्षों में हुए समझौते को लागू करवाने के लिए भूख हड़ताल करना अनिवार्य हो गया है। इसके बाद भी सरकार ने समय रहते मान गई तो और पत्र जारी नहीं किए तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने जितने भी सफाई कर्मचारी विभाग पर रखे थे उन सभी को पक्का करने की बात कही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। आज जो ये 4, 5, और 6 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट कमेटी के आह्वान पर रखा गया है, क्योंकि जो हमने 11 दिन की हड़ताल कई रखी थी करी थी हमने पीछे, उसमें हमारी दो बार वार्ता चली है। एक तो 29 अक्टूबर 2022 को और एक हमारी 5 अप्रैल 2023 को। जो बात आज किन मांगों को लेकर आज बैठे हुए? आज हमारी मांगे जो आना 2018 से और 2022 तक जो हमारी लड़ाई चल रही थी, 2018 हमने 16 दिन की हड़ताल करी, हमने पेरोल पर जो कर्मचारी कराए थे, और जो 2022 में फिर हड़ताल करी हमने 11 दिन की हड़ताल, उसमें जेलें भी काटी हैं। और सरकार ना 2022 अक्टूबर में जो बातचीत करी, बातचीत में सारी मांगा मानी भी गई, मानने के बाद कोई चिट्ठा सर। मेरा नाम राजकुमार है। आज जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकों के अंदर जो आज ये कार्यक्रम चला हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर पूरा कर्मचारी और नगर पालिकाओं के अंदर 5 कर्मचारी और परिषद के अंदर 6 कर्मचारी।